मॉर्निंग बेटा, आज शुरू करते हैं अपन जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शंस की शुरुआत यहीं से होती है। जिस बच्चे के जनरल चीजें जिसको नहीं आती है, उस बच्चे की पढ़ाई कमजोर होती है। काफी बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक से डर लगता है, तो उन्हीं बच्चों को डर लगेगा जिनकी ये जनरल रिएक्शंस नहीं आती उनको। तो देयर आर ओनली फोर टाइप ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और कॉमन रिएक्शन जो ऑर्गेनिक होती है फोर टाइप्स की होती है, और वो बेसिक तरीके से उनके मैकेनिज्म होते हैं, और जिसको एक रिएक्शन समझ में आती है वो फिर बार बार यूज होती है। प्यारे बच्चों, तो रिएक्शन जो बच्चा रटेगा जो समझेगा नहीं, तो बाद में ट्वेल्थ में जब आ जाएगा तो वो रिएक्शन गिनेगा और डरेगा, तो फिर कहेगा ऑर्गेनिक याद नहीं होती, डर लगता है। तो डर मिटाना हो तो ये बहुत ही काम की है। कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन, देयर आर फोर टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली। फर्स्ट होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट होगा इसमें, एक कैटाइन आएगा तो दूसरा कैटाइन जाएगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब है हटा के दूसरा जब आ जाता है, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उसको। इसमें भी अपन, अब सब्स्टिट्यूशन किसका होगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो इसमें अपन को तीन चीजों का सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। पहला अपन ने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है, तो फर्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनकी पढ़ाई की जाएगी। यदि न्यूक्लियोफाइल हटके दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो उनको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी होती है बेटा, फ्री रेडिकल भी हट सकता है, आ सकता है, तो उसको बोलता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगी बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन द थ्री कैटेगरीज, ठीक बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन आल्सो क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरीज। ए, यदि फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल एड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और यदि फर्स्ट स्टेप है जो रेट डिसाइड करने वाला स्टेप होता है, मैकेनिज्म अपन देखेंगे जब पता चलेगा आपको, उसमें यदि आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, इसी तरह से एक आध ऐसी रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन भी होता है, तो एडिशन रिएक्शन होती है बेटा। एडिशन की जस्ट उल्टा है होती है बेटा एलिमिनेट, इसमें कोई कोई बाहर जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, केमिस्ट्री की वो रिएक्शंस जिनमें न तो एडिशन होगा न सब्स्टिट्यूशन होता है, ओनली अरेंजमेंट होता है जो ढंग से नहीं होता है। मान लो स्टेबिलिटी के लिए अरेंज करता है अपने आप को, अपन भी मान लो सही नहीं बैठे तो अपन अच्छे से बैठना चाहेंगे, ठीक है ना, अरेंज होके, ठीक है ना, जिससे नीचे नहीं गिरे, बस यही बात है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की थोड़ी टफ रिएक्शन मान सकते हैं, क्योंकि इनका जनरल मैकेनिज्म नहीं है, इनकी इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ती है। तो सबसे आपको जिसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टडी करनी पड़ती है, वो है बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ओनली देयर आर फोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी नहीं डरे, रिएक्शन कोई गिनेगा नहीं, और अपने स्टार्ट कर देते हैं इनके को, इनके जनरल मैकेनिज्म देख लेंगे, और जिसके जनरल पढ़ाई तैयार है वो बच्चा शानदार मजे लेगा, जीओसी में मजे से पढ़ाई करेगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है, वन एलिमेंट या वन कंपाउंड रिप्लेस अनदर रिएजेंट, एक को दूसरा रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। और कौन किसको रिप्लेस करता है बेटा, नॉलेज होना चाहिए। जो लेस रिएक्टिव होता है वो हाई रिएक्टिव को हटाता ही, आलसी आदमी को जो एक्टिव होगा वो हटाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी पहले स्टार्ट करेंगे कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे अपने, पहली रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शुरुआत की जाएगी। ये भी केमिस्ट्री की बेसिक रिएक्शनों में आती है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिस्ट्री में कौन देगा, इस चैप्टर में मिलेगी, ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कहां मिलेगी बेटा,
ये जहां एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जहां बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक वाले कंपाउंड होंगे, वहां पर ये रिएक्शन आपको चमकती हुई दिख जाएगी प्यारे बच्चों। तो दीज रिएक्शंस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, मेन रिएक्शंस जिनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, मेन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अंडरलाइन कर दें। ये रिएक्शन हर किसी की नहीं होती है, ये रिएक्शन किसकी होती है बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मेनली गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हियर द इलेक्ट्रोफाइल अटैक इन द फर्स्ट स्पीसीज, या फिर कह सकते हैं आरडीएस, रेट डिसाइड करने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मिलेगी, यानी जहां बेंजीन रिंग चमकती हुई दिख जाएगी वहां पर ये बेंजीन और उसके कंपाउंड, वहां पर ये रिएक्शन होगी। इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? इनके जनरल एग्जांपल है जो पांच अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, अच्छे दोस्त, उसी की तरह से ये रिएक्शन बार बार आएगी और पांचों ग्रुप में आएगी। जिस बच्चे को नाइट्रेशन पता है ना, जैसा पहला नाइट्रेशन है, दूसरा आएगा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, तीसरा आप नाम सुनोगे बार बार आएगा, इलेवंथ में भी आएगा, ट्वेल्थ में भी आएगा, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद में आएगा बेटा फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है बेटा। फ्रिडलक्राफ्ट पहली होती है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइल को अटैच करेगा इसमें, और बी फ्रिडलक्राफ्ट होती है, दूसरी फ्रिडलक्राफ्ट होती है फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल को पता है तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो बच्चों ये पांचों रिएक्शन किसके एग्जांपल है बेटा? दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से एक रिएक्शन लेते हैं, वैसे वैसे ये पांचों रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म एक का ले लेंगे और बाकी पांचों की अपन रिएक्शन क्या होती है एग्जांपल जरूर ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मेन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्यारे बच्चों पहला इस लेते हैं नाइट्रेशन, इसका एग्जांपल कौन सा लेंगे बेटा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है बेटा? जब हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय द नाइट्रो ग्रुप, नोन एज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। नाइट्रेशन कैसे किया जाता है? नाइट्रेशन के लिए क्या होगा बेटा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एनी कंपाउंड, हाइड्रोजन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन, अब उसमें आपके हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय, रिप्लेस कह दो या सब्स्टिट्यूट कहना चाहिए, सब्स्टिट्यूट बाय हेलोजन, सब्स्टिट्यूट बाय नाइट्रो ग्रुप NO2 प्लस। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, नॉन एज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन रिप्लेस होगा NO2 प्लस से। ओके ध्यान देना, रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कौन सा लेंगे? ये होता है बेटा HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नाइट्रेशन में काम आता है। एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, इसका रिएक्शन ले लेते हैं। व्हेन ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद, ये बेसिक बात तो ऊपर लिख दी कि इसमें होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बेटा। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? HNO3 प्लस H2SO4 गिव्स नाइट्रोबेंजीन,
गैस नाइट्रो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जनरली एरोमेटिक में ज्यादा मिलता है इसलिए अपनी ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं ये बेंजीन की रिएक्शन ये है बेंजीन का फॉर्मूला रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड से प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मिक्सचर लेना साथ में एक्चुअली ये इसके हेल्प करेगा बेटा इसको खोल के लिखते हैं ना तो पता चलता है कि ये नेगेटिव बेस का काम करेगा इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ का हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये रहा देखो हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके पानी बाहर निकल जाएगा यहाँ से ये इस पर अटैक कर देगा और क्या बनाएगा रे बच्चों नाइट्रोबेंजीन और वाटर बाहर जाएगा साथ में क्या जाएगा बाहर वाटर तो नाइट्रोबेंजीन बनती है और वो कैसी स्मेल होती है इसकी बिटर एलमंड्स लाइक बहुत फेमस कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन कड़वी बादाम जैसी गंध वाला जो है सब्सटेंस है बेटा और उसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हो क्या नाम है इसका नाइट्रोबेंजीन तो आपसे पूछेंगे ऐसा कंपाउंड बताओ केमिस्ट्री का जिसकी स्मेल कैसी होती है बिटर एलमंड्स लाइक होती है तो वो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो आंसर होगा आपके नाइट्रोबेंजीन मैकेनिज्म देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है अब इस रिएक्शन का हुई कैसे ये मैकेनिज्म आना चाहिए जनरल मैकेनिज्म ठीक बेटा तो नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं उसी तरह से फिर सब मैकेनिज्म आएंगे तो इसमें आप देखना जनरल मैकेनिज्म इसका क्या है प्यारे बच्चों रिएक्शन कंप्लीट इन द थ्री स्टेप मैकेनिज्म देख रहे हैं अपन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं हुई है बेटा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कंप्लीट इन थ्री स्टेप रिएक्शन कंप्लीट इन थ्री स्टेप्स तीन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई है कैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है नाइट्रोनियम आयन बनेगा कैसे बनता है नाइट्रेशन में क्या क्या लेते हैं HNO3 और H2SO4 इसको आप खोल के लिखो तो पता चलेगा अभी अभी लिखा भी था अपन ने OHNO2 ठीक है ना और ये H2SO4 क्या देता है बेटा H+ और ये HSO4 माइनस कहां से आया बेटा उसी H2SO4 से आया है ये HSO4 यू लिखूं तो क्या दिक्कत है आपके HSO4 माइनस है ना ध्यान देना और H+ ये यहां ले लेते हैं ये एक्चुअली H2SO4 से तो आया है H+ इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तो ये H+ और ये पानी निकल जाएगा तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा NO2 पे क्या आ जाएगा प्लस तो क्या क्या बनता है एक तो NO2 प्लस कहां से आया ये रहा ठीक बेटा ये माइनस आएगा तो प्लस पैदा होगा एक पानी बन रहा है एक तो पानी कहां से आ रहा है H2SO और एक आता है HSO4 माइनस तो ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि नाइट्रेशन रिएक्शन में प्रोटॉन कहां से मिलता है एसिड से ये एसिड से ये बेस का काम करता है एसिड का काम करता है फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बना है उसका नाम है नाइट्रोनियम आयन क्या बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप बेटा सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप का नाम क्या है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहां पे NO2+ नाइट्रोनियम आयन का अटैक होगा बेंजीन रिंग पर तो इसका अटैक करवाने जा रहा हूं मैं इस पर NO2+ है बेटा इन दोनों में से इलेक्ट्रो हाँ अब जब भी कोई पोलर स्पीसीज आई तो अपन हैरो लगाते हैं फिश हुक हैरो ये इस पर इसका अटैक करवा देंगे क्या बनेगा इसको अपन ने नहीं किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ एच लगा दीजिए यहाँ NO2 लगा दीजिए और वास्तव में जो इंटरमीडिएट बना ये वाला ये भी स्टेबलाइज होगा ये स्टेबल है बेटा क्यों है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है देखो ये प्लस यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ तो इसको अपन ऐसे बनाया तो कोई दिक्कत नहीं
ऐसे ये रेजोनेंस इसके अंदर यहाँ आएगा फिर ये, तो इसको भी आपको ऐसे बना देना चाहिए, ये यहाँ पे प्लस घूमेगा फिर यहाँ घूमेगा फिर यहाँ, और ये एच और ये इसको बोलते हैं एरिनियम कैटाइन। क्या होता है? बेंजीन एरीन को बोला जाता है और उसको बोलता जाता है एरिनियम कैटाइन, एरिनियम कैटाइन इज द स्टेबल आयन। एरिनियम कैटाइन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो सेकंड स्टेप में ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, इसकी भी रेजोनेंस पूछी जाती है क्लास में जब बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, बाकी तो समझने वाला समझ जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आराम से। सेकंड स्टेप है बेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा स्टेप है वापस रिमूवल ऑफ द प्रोटोन, ये एच प्लस जो अटैक कर रहा है ना बेटा, ये एच प्लस ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करवाया था, इन दोनों की रिएक्शन हुई थी, ठीक है ना, लास्ट में प्रोटोन वापस बाहर निकल जाएगा ये एच प्लस, तो आपके नाइट्रोमाइसिन आ जाएगा। थर्ड है बेटा डीप्रोटोनेशन, पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, एसिड ने क्या किया प्रोटोन दिया तो उसको मैं कह सकता हूँ प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटोनेशन हुआ है, और ठीक बेटा थर्ड स्टेप अपन ले रहे हैं ऊपर वापस, थर्ड स्टेप में क्या होता है डीप्रोटोनेशन करवाऊंगा बच्चों। तो ये हो गया इसका शानदार मैकेनिज्म पूरा करने जा रहे हैं आप, और वो है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करोगे बेटा, रिमूवल ऑफ एच प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोन, डी प्रोटोनेशन होगा। पकड़ के लाओ इसको यहां पे, कौन सा ये चीज यहां लिखते हैं, क्या चार्ज घुमा था प्लस घुमा था यहाँ पे, यहाँ प्लस यहाँ भी ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से H और यहाँ NO2, और बेटा कौन किसकी प्रेजेंस में HSO4- है, ये यहाँ पे जाएगा H+, ये H+ और HSO4 मिल जाएंगे तो H2SO4 बन जाएगा, और अपने काम की चीज बन गई क्या, नाइट्रोबेंजीन रेडी है प्लस H2SO4। तो H2SO4 का क्या रोल था प्रोटॉन देने का, और वापस प्रोटॉन मिल जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो एज ए कैटलिस्ट मेन रिएक्शन करने वाला तो नाइट्रिक एसिड ही है, इसका तो सिर्फ प्रोटोनेशन का काम था, प्रोटॉन देना था, तो आराम से इसने प्रोटॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। तो जनरल मैकेनिज्म क्या हुआ, ये तो पर्टिकुलर नाइट्रेशन का मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म क्या हो गया, फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और थर्ड में इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होगा। तो जनरल अपन कैसे लिख सकते हैं सबका, नाइट्रेशन भी ऐसे होगा, हेलोजिनेशन भी ऐसे होगा, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन भी ऐसे होगा, सारी रिएक्शन इसी ढंग से होगी प्यारे बच्चों। एक स्टेप एक मैकेनिज्म जिसको आता है उसको सारी रिएक्शनों का मैकेनिज्म आ जाएगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन बात कर लेते हैं जनरल, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरल मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन मिथाइल क्लोराइड है मान लीजिए, और ये HCl3 कैटलिस्ट है, तो कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, ये अब ये होता है लेविस एसिड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, इस माइनस को लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो CH3+ फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में ये एल्काइल ग्रुप अटैक बनता है ये CH3+, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ई कह सकते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ E+, ये रहा E+, ठीक बेटा, और क्या बना लेता है AlCl4-। तो फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक बेटा। सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप जनरल ले सकते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये है जैसे मिथाइल है ना, इसमें अपन जनरल E ले लेते हैं, और वो अभी सीखा है अपन ने कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहीं भी कर सकता है, बेंजीन में तो सारी पोजीशन इक्वल है, कहीं भी करा दो,
तो भैया जी अटैक करवा दूंगा, यहाँ ई का अटैक करवाऊंगा बेटा, तो होगा क्या रे बच्चों? बहुत सिंपल है, इधर ये कार्बेटाइन बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन खोल दीजिए, ये ई, और मैंने अभी अभी कहा था ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये स्टेबल है एरिनियमाइन का, स्टेबल एरिनियम आयन, क्यों रेजोनेंस है देखना, कि यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, रेजोनेंस बना देते हैं, इधर इसको इधर ले गए तो ये आ गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये बेटो, ये और ये आ गया बेटा, ये यहां शिफ्ट होगा तो ये प्लस यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो इसका कंक्लूजन क्या आया यहां पर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं अपन, क्या कहा घुमा पॉजिटिव, यहां घुमा था फिर यहां फिर यहां, तो मैंने बनाया था आपके ये एच और ये, इट इज द सेकंड स्टेप, स्टेबल एरिनियम आयन ड्यू टू रेजोनेंस। आपसे पूछेंगे इंटरमीडिएट स्टेबल है एरिनियम कैटाइन, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, ओके। और थर्ड स्टेप है डी प्रोटोनेशन होगा बेटा, इसमें से थर्ड स्टेप में से क्या होगा, बाहर निकाल देंगे अपन ई प्लस को, तो इट इज द जनरल मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या करना है, वही जो आपने इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है एच और ई प्लस चार, ये प्लस ये प्लस, ये रिमूव हो जाएगा, एच प्लस बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, ई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा। तो प्यारे बच्चों आने वाला किस तरह से ऐड होता है, इट इज द जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन रिंग जहां होगी वहां पर ये रिएक्शन आएगी प्यारे बच्चों। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जरूर नोट कर लेंगे, साथ साथ जरूर एक बार वापस इसको देखें। तो ये थ्री स्टेप मैकेनिज्म था इसका, ये थ्री स्टेप में अपने ये बनता है। आगे अपन देखते हैं बेटा इनके और सारी रिएक्शन ऐसे ही होती है, कौन कौन सी, फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ऑल दीज टाइप रिएक्शन आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।